श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर, शेपिंग ग्लोबल इंजीनियर्स, मेकिंग छत्तीसगढ़ प्राउड। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। स्वराज एक्सप्रेस की खबर का असर, बंडा थाना प्रभारी एवं बरा प्रधान आरक्षक हुए निलंबित। एक और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपराध मुक्त की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंडा तहसील अंतर्गत ग्राम बरा की महिला को पुलिस की अनदेखी के कारण देनी पड़ी अपनी जान। मामला ट्रैक्टर चोरी का था, जिसमें पुलिस ने समय पर कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते महिला ने बरा चौकी एवं बंडा थाना में विगत दिनों आवेदन देकर अधिकारियों को आप बीती सुनाई, पर अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। उसका आरोप बरा सेवा सहकार समिति के प्रबंधक राम रतन मिश्रा पर था, लेकिन पुलिस टालती रही और राम रतन मिश्रा पर कार्यवाही नहीं की, जिससे महिला ने पुलिस की अनदेखी के कारण जहर पीकर खुदकुशी कर ली। तो वहीं परिवारजनों ने NH-86 पर चक्का जाम कर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई और नारेबाजी की। तो मौके पर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने पहुंचकर बंडा TI प्रशांत सेन एवं बरा चौकी प्रधान आरक्षक अवधेश शुक्ला को निलंबित किया। इस मामले को लेकर NH-86 पर किया चक्का जाम, पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। इसको लेकर सागर SP अतुल सिंह ने 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड। बंडा से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम बिहारी सिंह। छिंदवाड़ा शहर का एकमात्र छोटा तालाब जिसे सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, वहीं इसकी सुंदरता कायम रखने के लिए एक कुंड बनाया गया है, लेकिन उसी कुंड से क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान है, जिसकी बदबू लोगों को परेशान कर रही है। छिंदवाड़ा शहर का एकमात्र तालाब जो शहर के बीचों बीच स्थित है, जिसे छोटा तालाब के नाम से लोग जानते हैं, जिसे सुभाष पार्क कहा जाता है। इस तालाब के सौंदर्यीकरण में प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और तालाब की स्वच्छता बरकरार रहे इसके लिए नगर निगम द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए 2 छोटे कुंड बनाए हैं, मगर इस कुंड की साफ सफाई समय पर नहीं होने और लोगों द्वारा इसी कुंड में पूजन सामग्री डालने से कुंड में कीचड़ और बदबू हो रही है, जिससे आए दिन क्षेत्रवासी परेशान रहते हैं। देखना यह होगा कि इस कुंड से आ रही बदबू से क्षेत्रवासियों को निजात कब मिलेगी। देखते हैं निगम प्रशासन आखिरकार इस कुंड की सुध कब लेता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकेश सोनी, छिंदवाड़ा। झाबुआ में सरकारी अनाज पर जहां ठेकेदार की लापरवाही दिखाई दे रही है, वहीं राजनीतिक सियासत भी गर्मा गई है। झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने सरकार पर झाबुआ में सड़ा हुआ अनाज भेजने का आरोप लगाया है। भोपाल के अनाज ठेकेदार की ओवरलोडिंग पर बिना कार्रवाई के बैठा प्रशासन उस समय हरकत में आया जब गेहूं के सड़े और खराब होने की शिकायत पर झाबुआ के कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया झाबुआ के किशनपुरी स्थित वेयरहाउस के गोदाम पर पहुंचे और गोदाम में रखे हुए गेहूं की क्वालिटी को देखकर भड़क गए। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से गेहूं को वापस भेजने की बात कही। वहीं कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि सीहोर से आया हुआ यह गेहूं खराब है और इसके खाने से हमारे आदिवासी बीमार होंगे। छापा कार्रवाई के स्टाइल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ गोदाम पर पहुंचे भूरिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि बारिश में भीगा हुआ खराब गेहूं और चावल सरकार झाबुआ में भेज रही है, उन्होंने क्या आदिवासियों को भेड़ और बकरी समझा है। भाजपा जहां इसे कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो हर मुद्दे पर आम आदमी के साथ खड़ी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस राजनीतिक घमासान के बीच आम आदमी तक सही अनाज पहुंचेगा या नहीं। मनीष गिरधानी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, झाबुआ। नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर आईडी बम की चपेट में एक बार फिर से ग्रामीण फंस गए। बुजुर्ग ग्रामीण दंपत्ति का इलाज दंतेवाड़ा अस्पताल में जारी। नक्सलियों के कायराना करतूत का बेकसूर और निर्दोष ग्रामीण भी लगातार शिकार हो रहे हैं। कटेकल्याण थाना क्षेत्र के गुड़से और टेलम सड़क पर नक्सलियों को लगाए गए प्रेशर आईडी की चपेट में फंसकर बुजुर्ग महिला कोसी और उसके पति हुंगा बुरी कदर घायल हो गए हैं। घायल महिला को DRG के जवानों ने देर रात दंतेवाड़ा जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां महिला की आंखों की रोशनी चली गई है। इधर जवान इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं,
दरअसल दंतेवाड़ा पुलिस को इनपुट है कि टेलम और टेटम मार्ग में देवा जगदीश मंगतू जैसे बड़े नक्सली लीडरों का जमावड़ा है, जिसके लिए पुलिस उस इलाके में सर्च भी बढ़ा दी है। लगातार नक्सली जिस तरीके से प्रेशर आईडी दबा रहे हैं और प्रेशर आईडी की चपेट में ग्रामीण फंस रहे हैं, इससे नक्सलियों का अमानवीय चेहरा निकल करके सामने आ रहा है। दंतेवाड़ा से एक्सप्रेस रिपोर्ट, पंकज सिंह भदौरिया। राजधानी भोपाल के रातीबर थाना क्षेत्र में आया एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला सामने। भोपाल के रातीबर थाना क्षेत्र के बरखेड़ी इलाके में एक ही परिवार के दो बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे चचेरे भाई बहन हैं, जिनकी उम्र करीब 5 साल है। एक बच्चे के पिता टेंट का काम करते हैं। टेंट के ही गद्दे घर के एक कमरे पर रखे हुए थे और बच्चे उसी कमरे में खेल रहे थे। पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट के अनुसार रखे हुए गद्दों के ढेर में दोनों मासूम बच्चों के दब जाने से दम घुटने से मौत होना पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों बच्चों का मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अस्पताल भेजा है। मेडिकल जांच के बाद मौत की असल वजह का खुलासा हो पाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों मासूम बच्चों की गद्दों के ढेर में दब जाने की वजह से दम घुटने से हुई दोनों बच्चों की मौत। भोपाल एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। मझगवा जनपद की ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार सामने का नाम नहीं ले रहा। जहां पड़री ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा पक्की नाली के निर्माण में घटिया मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा। पड़री गांव में राम सेवक के घर से देवी जी मंदिर तक ग्राम पंचायत द्वारा लाखों की लागत से बनाई जा रही सीसी नाली में घटिया स्तर का पत्थर, गिट्टी, लो क्वालिटी की लोकल बालू लगाई जा रही है तथा सीमेंट की भी मात्रा अत्यंत कम है, जिससे निर्माण के कुछ ही महीनों बाद नाली ध्वस्त हो जाएगी और सरकार का लाखों रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। ज्ञात हो कि पंचायतों में व्याप्त कमीशनखोरी के चलते सरपंच सचिव द्वारा अत्यंत घटिया स्तर के कार्य कराए जा रहे हैं। पड़री ग्राम पंचायत में अभी तक जो भी निर्माण कार्य हुए हैं वो 6 माह भी नहीं टिक सके और गांव की सीसी सड़कें उखड़ने लगी हैं। लेकिन सरपंच सचिव की मनमानी पर अंकुश न होने के चलते पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है। मझगवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। छस्का को बड़ा झटका लगा है। अमित जोगी को राज्य सलाहकार समीर अहमद बबला जो है कांग्रेस में चले गए। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी, इसको लेकर के लगातार चर्चा बने रहती है और इस मरवाही चुनाव होना है। जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। इस बार अब अमित जोगी के चुनाव लड़ने के कयास लगा रहे, लेकिन उनका जाति का मामला पेच फंसा हुआ है। और अब दूसरा बात ये और विवाद बन गया है कि रीचा जोगी ने भी एक जाति प्रमाण पत्र ट्राइबल का बना रहे हैं, जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव मरवाही से लड़ सकती हैं। हालांकि इस बात का भी खुलासा पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन संभावना पूरी जताई जा रही है कि रीचा जोगी चले। ऐसे में बड़ा झटका एक छचका को लगा है कि जो जोगी कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं समीर अहमद बबला, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। छचका को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये जोगी, अजीत जोगी के निधन के बाद लगातार पार्टी की हालत जो है वो खराब हो रही है और कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता छोड़कर पार्टी जा रहे हैं और ये छचका के लिए बड़ा झटका। अजीत जोगी के निधन के बाद छचका की हालत खराब हो रही है और छचका बिखरने लगी है। एक बड़ा झटका छचका को लगा है। समीर अहमद बबला कांग्रेस में चले गए, इससे छचका को बड़ा नुकसान होगा। बिलासपुर से कुछ वोट चलने पड़ा। बारिश और तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के वाइब्रेशन से सिल्लेवाड़ी घाटी के पहाड़ियों में हो रहा है सखलन। आए दिन हो रही तेज बारिश व बढ़े ट्रैफिक एक और जहां हादसों का कारण बनते जा रहे हैं, तो सौसर के सिल्लेवाड़ी घाटी में तेज बारिश व बढ़े अंधाधुंध ट्रैफिक के कंपन से बड़े बड़े ट्राले के कारण घाटी के दोनों ओर पहाड़ी सखलन होने लगा है, जिसके कारण पहाड़ी सड़कों पर टूट कर गिर रही है, जिसके कारण सड़कों पर पेड़ पौधे और पत्थर खिसक कर आ रहे हैं तो हादसों को न्योता भी दे रहे हैं। सिल्लेवाड़ी घाटी की टूटी पहाड़ियां सड़कों पर आए दिन पत्थरों के गिरने से घाटी की सड़क सकरी होती जा रही, तो अब घाटी से लोगों को आवाजाही में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी के सकलन की वजह से कई बार घंटों लंबे जाम का भी लोगों को सामना करना पड़ता है, तो घाटी की सकरी सड़क हो जाने से आए दिन बड़े बड़े ट्राले भी यहाँ जाम की स्थिति निर्मित करते नजर आते हैं। वहीं पहाड़ियों से गिरते मिट्टी पेड़ पत्थर को रोकने के लिए बनाई गई रिटर्निंग वाल किसी काम की नजर नहीं आ रही, जिसकी ऊंचाई कम होने के कारण रिटर्निंग वाल के ऊपर से घाटी का सकलन हो रहा है। पहाड़ी के सकलन से पेड़ पौधे और पत्थर सड़क पर आकर गिर रहे हैं, जिसके कारण कभी भी हादसे की आशंकाएं बनी रहती है। देखना है जिम्मेदार कब तक इसकी सूद लेते हैं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ थाने को बड़ी सफलता मिली है। गिदवानी पार्क के पास आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए 4 युवक को पुलिस ने पकड़ा। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ थाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आईपीएल पर सट्टा लगाते एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैरागढ़ के गिदवानी पार्क के पास 4 युवक आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे थे। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर की सूचना के बाद गिदवानी पार्क पहुंची, जहां पर मोबाइल फोन से दिल्ली व राजस्थान की क्रिकेट टीमों के माध्यम से खेले जाने वाले आईपीएल मैच
पर हार और जीत के लिए सट्टा खेला जा रहा था, जिनसे नकदी 1,03,000 रुपए तथा 4 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। इन सभी से पूछताछ कर रही है कि बड़े पैमाने पर हो सकता है सट्टे कारोबारी का खुलासा। आईपीएल सट्टा में दिल्ली और राजस्थान की टीम पर जीत और हार के लिए सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 4 रुपयों को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लगातार संक्रमित मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर शहर में लगातार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में 2,269 मरीजों की सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें 439 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 7 और मौत के बाद कोरोना महामारी के चलते अभी तक 628 मरीजों की मौत हो चुकी है। सितंबर माह और फिर अक्टूबर में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिसमें अभी तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28,638 तक पहुंच गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि मरीजों का ठीक होने का सिलसिला लगातार जारी है और कोरोना वायरस से अभी 20,424 मरीज जंग जीतकर बिल्कुल स्वस्थ हुए हैं। 3,986 मरीजों का इलाज अभी भी अस्पतालों के अंदर जारी है। कोरोना वायरस को लेकर शहर में लगातार मौत हो रही है। अगर रोजाना की बात की जाए तो 7 लोगों की मौत रोजाना कोरोना वायरस के चलते हो रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने राजनगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजनगर थाना क्षेत्र में एक फ्लैट में दबिश दी थी, जहां पर 6 लोग सट्टा संचालित आईपीएल का कर रहे थे, जिनके पास से लाखों रुपए का हिसाब, 1,000 रुपए नकदी, लैपटॉप, मोबाइल जब्त हुए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने राजनगर पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए राजनगर थाना क्षेत्र में एक फ्लैट पर दबिश देकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जो संचालित सट्टा कर रहे थे, जहां पर राजस्थान और दिल्ली का मैच चल रहा था, जिसमें पुलिस ने दबिश दी थी। सूचना मिलने के बाद जहां मौके से 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिसके पास से लाखों रुपए का हिसाब, 1,000 रुपए नकदी, लैपटॉप, मोबाइल, अन्य सामान जब्त हुआ है। लगातार पुलिस की यह कार्रवाई आईपीएल मैचों को दौरान जारी है। वहीं देर रात पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल में 6 पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर से रिपोर्टर अजय शेख। मौसम के उतार चढ़ाव और हो रहे क्षेत्र में बेमौसम बारिश से किसान कहीं न कहीं परेशान नजर आ रहे हैं, अपनी धान की फसल को लेकर के काफी चिंतित हैं। खेतों में धान के फसल की बाली फूट रही है, कई जगह धान की फसल तैयार हो चुकी है। किसान फसल की कटाई की तैयारी में थे कि इस बीच मौसम के उतार चढ़ाव से किसान हताश और परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना संकट काल के बीच मौसम ने अच्छा साथ दिया था, जिस पर किसानों को अच्छी फसल पैदावार होने की उम्मीद थी, पर अब अंतिम दौर में मौसम की मार झेलनी पड़ रही है, जिसका असर धान के पक रहे फसलों पर पड़ता हुआ नजर आने लगा है, जिसको लेकर किसान काफी हताश और परेशान हैं। बीते 3 अक्टूबर से लगातार मौसम करवट बदल रहा है, रुक रुक कर क्षेत्र में हल्की और तेज बारिश हो रही है, जिससे धान की फसल बर्बाद होने की संभावनाएं बढ़ गई है। अब धान की फसल पैदावार भगवान भरोसे ही किसान को नजर आने लगा है। माने तो 13 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसका असर क्षेत्र में भी देखने को मिला है, जिसे लेकर किसान अपनी धान की पकी हुई फसल को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलेश गुप्ता, सोनत कोरिया। जैसी नगर थाना अंतर्गत मन के आई गाँव में बिना माँ बाप के बच्चे चाचा की पिटाई से भागे, चाइल्ड लाइन ने दिया सहारा। मनकियाई गांव से 17 साल का किशोर भागकर किसी तरह चाइल्ड हेल्पलाइन पहुंचा, जहां उसने विशेष किशोरी इकाई प्रभारी ज्योति तिवारी को बताया कि मेरे माता पिता नहीं हैं और 9 साल की एक छोटी बहन है, दादी हम दोनों से घर का काम कराती है। इसके साथ ही चाचा द्वारा मारपीट करने के बारे में भी बताया, जिसके बाद बच्चों की शिकायत की तस्दीक चाइल्ड लाइन द्वारा गाँव पहुँच कर की गयी। वहाँ टीम ने देखा कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहाल है, वहीं बच्चों का चाचा मानसिक बीमारी और दादी के बुजुर्ग होने से देखरेख करने वाला कोई नहीं था। बच्चों से पूछा तो वह चाइल्ड लाइन के साथ जाना चाहते थे। इस बारे में उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया और परिवार के सदस्यों से चर्चा और सहमति के बाद दोनों बच्चों को टीम अपने साथ वापस ले आई। बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराकर दोनों बच्चों को बाल संजीवनी आश्रम पहुंचाया गया है। वहीं अब आत्मनिर्भर होने तक दोनों बच्चे बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन की निगरानी में बाल संजीवनी आश्रम में रहेंगे। जैसी नगर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ब्रजेंद्र अग्रवाल। प्रतिबंध के बाद भी प्रासे विधानसभा क्षेत्र में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े रेत का अवैध उत्खनन कर
नदियों नालों का सीना छलनी कर रहे रेत माफिया, मूल दर्शक बना प्रशासन। परासे मुख्यालय से जुड़ी ग्राम पंचायत खेसरडो इस समय रेत माफियाओं का हब बना हुआ है। सफेदपोश नेताओं की मिलीभगत से दर्जनों ट्रैक्टर ट्राली दिन भर नदियों से रेत निकालकर खेसरडो पंचायत के आसपास रेत भंडारण कर लाखों कमा रहे हैं। मूक दर्शक बना प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आता, जिससे सरकार को मिलने वाली लाखों की राजस्व राशि को नुकसान पहुंच रहा है। जबकि परासे मुख्यालय से जुड़ी पंचायत खेसरडो शिक्षा से लेकर विभागीय कार्यालय सहित व्यापारियों का हब बन रहा है, जिससे खेसरडो सहित आसपास के क्षेत्रों में रेत की मांग अधिक है और रेत माफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। जबकि खनिज से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी का ठिकाना छिंदवाड़ा मुख्यालय है, परासे में विभाग का कोई कार्यालय है और न कोई ठिकाना जो इन अवैध माफियाओं पर लगाम लगा सके। जिम्मेदार विभाग द्वारा कार्रवाई के अभाव में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। प्रशासन को ठेंगा दिखाते जहां रेत माफिया लाखों कमा रहे हैं, वहीं सरकार को मिलने वाली राजस्व राशि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखना होगा ध्यान आकर्षण के लिए दिखाई गई खबर पर जिम्मेदार विभाग इन माफियाओं पर कार्रवाई करता है या नहीं। राशि से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल डहरिया। बड़वानी जिले के सिलावा क्षेत्र के ग्राम कालाखेत के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हुआ लक्कड़ बग्घा। लकड़ बग्घी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, टक्कर से लकड़ बग्घा हुआ घायल। वन विभाग ने घायल लकड़ बग्घे को पिंजरे में कैद कर इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। सिलावत से 3 किलोमीटर दूर बड़वानी स्टेट हाईवे पर कालाखेत गांव के करीब अज्ञात वाहन ने एक लकड़ बग्घे को टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से लकड़ बग्घा घायल होकर नाले पर तड़पता हुआ देख ग्रामीणों ने वन भ्रमण कर रहे वन कर्मियों को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग का अमला पिंजरा लेकर कालाखेत गांव पहुंचा और घायल लकड़ बग्घे को पिंजरे में कैद कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वन प्राणी लकड़ बग्घा कहां से आया है, इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। घायल पड़े लकड़ बग्घे की ग्रामीणों द्वारा सूचना देने के बाद वन रक्षक की तत्परता के चलते तत्काल लकड़ बग्घे का रेस्क्यू किया गया, साथ ही इसे निकालकर जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। जबलपुर की मेडिकल अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर राजकुमारी बंसल के ऊपर आरोप है कि वे हाथरस कांड में उस पीड़िता के घर पर रुकी थी और नकली भाभी बनकर उन्होंने मीडिया से बात की थी। यूपी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हाथरस कांड में मीडिया से पीड़िता की भाभी बनकर बात करने वाली महिला को यूपी पुलिस की एसआईटी टीम ढूंढ रही है। ये महिला मिली जबलपुर में, वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर काम कर रही हैं। डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने स्वीकार किया कि वे हाथरस में उस पीड़िता के परिवार के साथ रह रही थी और उन्होंने ही मीडिया से बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि वे भीम सेना या फिर नक्सलवादियों से उनके संबंध है। इन सब आरोपों का उन्होंने जबरदस्त ढंग से खंडन किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर जबलपुर से हाथरस तक ये डॉक्टर क्यों गई थी, इनका पर्पस क्या था और इन्हें मदद करने वाले लोग कौन थे। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। शाजापुर जिले में 20 दिन बाद भी नहीं पहुंची किसानों के खाते में बीमे की राशि। सहकारी सोसाइटी व बैंक के अधिकारी कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं। फसल बीमा क्लेम 2019 की राशि डालने की प्रक्रिया शुरू हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन किसानों के खाते में अब तक ये राशि जमा नहीं हुई। क्लेम की राशि उन्हें कब मिलेगी, इसको लेकर बैंक अधिकारी भी इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बैंक अधिकारियों का तर्क है कि हमें ही नहीं मालूम क्लेम राशि कब आएगी, तो किसानों को गला क्या जानकारी दे। यह दिक्कत बीमा कंपनी की नई व्यवस्था के कारण बनी है। कंपनी ने इस बार सीधे भोपाल से किसानों के खाते में राशि जमा करने की नई प्रक्रिया शुरू की। इसका वितरण 18 सितंबर को भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। के तहत प्रथम चरण में शाजापुर जिले के 75,000 किसानों के खाते में 275,40,00,000 रुपए जमा होना था, लेकिन किसानों के खाते में यह राशि अब तक नहीं पहुंच पाई है। मजबूरन किसानों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कब तक किसानों को इनकी राशि मिल पाती है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 2021 के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा कोरोना वैक्सीन। दरअसल कोरोना काल में प्रदेशवासियों के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के लिए राहत भरी खबर लेकर आए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनवरी 2021 तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की बात कही है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने चर्चा में बताया कि 200 से अधिक कंपनियां कोरोना का वैक्सीन बनाने में जुट गई है। वहीं प्रदेशवासियों को कोरोना से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीन की
उपलब्धता को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस कड़ी में उन्होंने वर्ष 2021 की शुरुआती महीनों में लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलने की बात कही। बता दें कि प्रदेश में 1,50,000 के करीब कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। कोरोना के जन्म में वैक्सीन को लोगों तक सुरक्षित पहुंचाना उतना ही चुनौती है जितना कोरोना संक्रमण को लोगों तक पहुंचने से रोकना है। अब देखना होगा स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितने मुस्तैदी से अपनी कार्रवाई की है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत। जानिए, जिला मुख्यालय में नगर के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहनों ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। लोगों का कहना है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के आसपास कई कोलवासरी और पत्थर खदान हैं जो अपनी गाड़ियां सड़क पर मौत बनकर दौड़ा रहे हैं और अपनी ऊंची पहुंच और पैसे के दम पर जिम्मेदारों का मुंह बंद कर दिए हैं। एक और जहां लोगों को दुर्घटना का डर सता रहा है, वहीं नगर में धूल और प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जिले के कई क्षेत्रों से लोग यहां आते हैं और काफी भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे में दिन में भारी वाहनों को नगर के अंदर से प्रवेश कराना लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करना है। अगर जल्द ही इस मामले में अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया तो कभी भी भविष्य में बड़ी दुर्घटना को नकारा नहीं जा सकता। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। ग्वालियर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने एक बार फिर ऐलान किया है कि 15 नवंबर को गौडसे की जयंती पर वो उनकी प्रतिमा स्थापित करेगी। ग्वालियर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने एक बार फिर नाथूराम गौडसे के बलिदान दिवस 15 नवंबर के दिन गौडसे की मूर्ति लगाने की धमकी दी है। महासभा नेता जयवीर भरद्वाज ने कहा है कि वो गौडसे के बलिदान दिवस को बड़े स्तर से मना रहे हैं। हिंदू महासभा नेताओं का कहना है कि 15 नवंबर 2017 को प्रशासन ने नाथूराम गौडसे की प्रतिमा को जब्त कर लिया था, उसकी वापसी के लिए 13 नवंबर को प्रशासन को चेतावनी पत्र दिया जाएगा और उसके बाद 15 नवंबर को नाथूराम गौडसे की प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा। दरअसल में 3 साल पहले यानी 15 नवंबर 2017 को भी ग्वालियर के दौलतगंज स्थित पार्टी कार्यालय में हिंदू महासभा ने गौडसे की मूर्ति की स्थापना की थी। हालांकि मूर्ति की स्थापना के बाद शहर में व्याप्त तनाव के हालातों को देखते हुए प्रशासन ने उसे जब्त कर लिया था, जिसकी वापसी के लिए हिंदू महासभा ने SDM कोर्ट में आवेदन लगा रखा है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील अंतर्गत दर्जन भर घाट ऐसे हैं जिन्हें आवंटन तो नहीं किया गया है, लेकिन फर्जी तरीके से वहां पर अवैध रेत उत्खनन करने का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। लोरमी क्षेत्र में दर्जन भर रेत घाट ऐसे हैं जहां पर बिना किसी स्वीकृति और आवंटन के धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, लोरमी क्षेत्र के ही नवा गांव जैत, रहंगी, लपटी, बांधी समेत बगनी, भावर और कई गांव में रेत का अवैध उत्खनन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत समय समय पर माइनिंग विभाग सहित जिम्मेदार अधिकारियों को की जाती है, लेकिन किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोरमी क्षेत्र में दर्जन भर ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पर माइनिंग विभाग के नियमों को ताक में रखते हुए रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें देखना होगा आने वाले दिनों में माइनिंग विभाग के अधिकारियों के द्वारा कब तक कार्रवाई की जाएगी। लोरमी से एक्सप्रेस रिपोर्टर संदीप सिंह ठाकुर। मोदी सरकार के कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने भरी हुंकार, वर्चुअल किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन। मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के विरोध में आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वर्चुअल किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। इस सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने जमकर मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में किसान हितैषी है तो उन्हें एक राष्ट्र एक बाजार के साथ एक दर भी तय कर देना चाहिए। सम्मेलन को PL पुनिया सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी संबोधित किया। सबने एक सुर में कृषि कानून का विरोध किया। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए वैभवसी पांडे। कोरोना के इस दौर में अब छत्तीसगढ़ में IG से लेकर आरक्षक तक सभी का कटेगा वेतन, जारी हुआ आदेश। वेतन कटने के संबंध में पुलिस विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के पुलिस कर्मियों की सितंबर महीने के वेतन से अशासकीय निधि के वार्षिक चंदे के रूप में काटने को कहा गया है, जिसके बाद अब वेतन में कटौती की जाएगी। वहीं इस आदेश के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कई पुलिस वाले इस पर सवाल उठा रहे हैं और सब पुलिस वाले कहते हैं कि पुलिस वेलफेयर में नहीं बल्कि अधिकारियों की निजी सुख सुविधा में यह फंड खर्च किया जाता है।
कोरोना संकट में आर्थिक तंगी से जूझ रहे पुलिस कर्मियों पर और भी मुसीबत आन पड़ी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कर्मी इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। असंगठित कर्मचारी महासंघ की पंचनामा पंचायत का आयोजन आज कमलनाथ के निवास पर किया गया। असंगठित कर्मचारी महासंघ और आउटसोर्स कर्मचारी रिपीट असंगठित कर्मचारी महासंघ व आउटसोर्स कर्मचारी संघ की महापंचायत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर की गई। असंगठित कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर आज तक निर्णय नहीं लिया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से हम कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं पर हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है। उपचुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास स्थान पर महापंचायत का आयोजन किया गया। असंगठित कर्मचारी व आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि जो हमारी मांग पूरी करेगा उपचुनाव में असंगठित कर्मचारी संघ उन्हीं का साथ देगा। महासंघ की एक ही मांग है कि असंगठित कर्मचारियों को संविधान नियुक्ति दी जाए जिससे उनका भविष्य सुधर सके। इस महापंचायत में जिस प्रकार से देखा जाए तो महापंचायत में पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि अगर जो हमारे साथ हमारी मांगों को पूरी करेगा आउटसोर्स कर्मचारी उन्हीं का साथ देंगे। देखना होगा क्या चुनाव से पहले इन दोनों राजनेता क्या महापंचायत और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे मानते हैं नहीं। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव भोपाल। देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं फॉलो। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल @SwarajExpressSMBC। हमारे ट्विटर अकाउंट को भी कर सकते हैं फॉलो @SwarajExpressSMBC। हमारे फेसबुक पेज को करें लाइक @SwarajExpressSMBC। ताजा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस SMBC। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश विच एडवांसेस योर करियर इन एजुकेशन। भाभा यूनिवर्सिटी इज राइट फॉर यू एज वी चूज करियर बिफोर एनीथिंग। इट इज द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर ड्रीम्स एंड डिस्कवर योरसेल्फ एज वी प्रोवाइड यू द 50 एकर्स ऑफ लश